मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता ही है, युगों के चक्र में अभी कलयुग का काल है। वर्तमान में फैली महामारी से आपको भी कलयुग की दस्तक मिल चुकी होगी। लाखों की तादाद में जहां लोगों ने अपनी आंखों के सामने अपने करीबी को खोया है, निश्चित ही उन सब के मन में ये ख्याल आया होगा कि आखिर इस काल का अंत कब होगा और इसके बाद कौन सा युग आएगा। क्या उसमें भी हमें ऐसे विकाल रूप का सामना करना पड़ेगा या स्थितियां कुछ सुधरेंगी, तो आइए जानते हैं। ऐसे ही कुछ और प्रश्नों के उत्तर को आज की इस खास वीडियो में, कलयुग के बाद का युग। आप सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। मित्रों, गीता में कहे अनुसार युगों के परिवर्तन का यह 22वां चक्र चल रहा है और जिस प्रकार एक आत्मा का शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करना, दिन के बाद रात का होना, समय के साथ ऋतु का परिवर्तित होना तय है, ठीक उसी प्रकार एक निर्धारित कालखंड के बाद इस सृष्टि में युग का परिवर्तन होना भी एक अटल सत्य है। माना जाता है कि युगों के इस परिवर्तन की क्रिया में अब कलयुग के समाप्त होने और सतयुग के आरंभ होने का समय आ गया है। किंतु इस नए युग के आरंभ और स्वरूप के बारे में बताने से पहले आपका ये जानना बहुत आवश्यक है कि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा है और कलयुग का अभी प्रथम चरण ही चल रहा, क्योंकि पुराणों में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व ही हो गया था, जिसका अर्थ यह हुआ कि अभी कलयुग के 5123 वर्ष ही बीते हैं और अभी भी 4,26,878 वर्ष बाकी है। तो मित्रों, इससे आपको भी ये स्पष्ट हो गया होगा कि कलयुग अपने चरम पर नहीं पहुंचा बल्कि आरंभ की ओर बढ़ा है। किंतु यदि आप ये जानने के इच्छुक हैं कि कलयुग का अंत कैसा होगा, तो आपको इसका उत्तर सनातन धर्म के कई ग्रंथों में मिल जाएगा, जिनमें से एक ब्रह्म पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु महज 12 वर्ष रह जाएगी और इस दौरान लोगों में द्वेष और दुर्भावना बढ़ेगी और कलयुग की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नदियां सूखती जाएगी, बेमानी और अन्याय से धन कमाने वाले लोगों में बढ़ोतरी होने लगेगी। इतना ही नहीं, धन के लोभ में मनुष्य किसी की हत्या करने में भी संकोच नहीं करेगा। मनुष्य पूजा पाठ, व्रत उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देगा, गाय दूध देना बंद कर देगी, मानवता नष्ट हो जाएगी, लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी, यहाँ तक कि उनका अपने ही घर में शोषण होगा, उनके अपने ही उनके साथ व्यभिचार करेंगे, बाप बेटी भाई बहन सभी रिश्ते अपनी मर्यादा को पीछे छोड़ देंगे, एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु बन जाएगा, शादी जैसा पवित्र रिश्ता एकमात्र व्यापार बनकर रह जाएगा, सभी की शादीशुदा जिंदगी में कोई न कोई बाधा जरूर आएगी, पति पत्नी एक दूसरे को धोखा देना आरंभ कर देंगे, यही नहीं कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा, जो लोग बलवान होंगे चारों तरफ सिर्फ उनका ही बोलबाला होगा और जब प्रकोप अपनी चरम सीमा पर होगा तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे और पृथ्वी से समस्त अधर्मियों का नाश करेंगे। कल्कि अवतार से जुड़ा एक संदर्भ महाभारत के एक अध्याय में भी मिलता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के अंत और अपने कल्कि अवतार के बारे में बताया है, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग के अंत के समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे, भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी, लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा ले जाएंगे, चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे, हत्यारों की भी हत्या होने लगेगी, चोरों से चोरों का नाश हो जाने के कारण जनता का कल्याण होगा। कैसा होगा कलयुग के बाद का युग? युगांत काल में मनुष्यों की आयु अधिक से अधिक 12 वर्ष की होगी।
लोग दुर्बल, क्रोध, लोभ तथा बुढ़ापे और शोक से ग्रस्त होंगे। उस समय रोगों के कारण इंद्रियां क्षीण हो जाएंगी। और जब कलयुग में पाप अपने चरम पर पहुंच जाएगा और पृथ्वी लोक से धर्म पूरी तरह से समाप्त होने लगेगा, तब मैं कल्कि रूप में अवतरित होकर इस धरा को पापों से मुक्त करूंगा और उसके बाद जो नया युग आएगा वह सत्ययुग कहलाएगा, अर्थात सृष्टि युग परिवर्तन का 22वां चक्र पूर करके 23वें चक्र में प्रवेश करेगी। मित्रों, वही दूसरी तरफ शिव पुराण कलयुग के आरंभ के कुछ संकेतों को बताता है, जिससे आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि अब कलयुग का आरंभ हो चुका है, जो यह कहता है कि घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म करना छोड़ दुराचार में फंस जाएगा, सत्य से मुंह फेर लेगा, दूसरों की निंदा में तत्पर हो जाएगा, दूसरे के धन को हड़प लेने की इच्छा मनुष्य के मन में घर कर जाएगी, न सिर्फ पराई स्त्रियों पर मनुष्यों का मन आसक्त होने लगेगा बल्कि वो दूसरे प्राणियों की हिंसा में लग जाएगा और सभी अपने शरीर को ही आत्मा समझने लगेंगे और उसकी रक्षा के लिए अलग अलग तरकीबें अपनाएंगे। देखा जाए तो यह एक ऐसा युग होगा जिसमें मनुष्य गूढ़, नास्तिक और पशुबुद्धि वाले बन जाएंगे, संतान माता पिता से द्वेष रखेंगे, ब्राह्मण वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे और अधिकतम समय मद में मोहित रहेंगे, अपनी जाति के कर्म को छोड़ दूसरों को ठगेंगे और तीनों काल की संध्योपासना से दूर रहेंगे। इतना ही नहीं, कलयुग की स्त्रियां प्रायः सदाचार से भ्रष्ट और पति का अपमान करने वाली होगी, वह सासससुर से घृणा करेगी, किसी का भी भय नहीं करेंगी, मलिन भोजन करेगी और अपनी पति की सेवा से सदा ही विमुख रहेंगी। मित्रों, ध्यान दे तो शिव पुराण में वर्णित ये सारी बातें आज की स्थिति को देखकर सच लगती है, जबकि कलयुग ने तो अभी मात्र 5000 साल ही पूरे किए हैं और इसे समाप्त होने में अभी भी लाखों वर्ष बाकी है। तो जरा सोचिए, कलयुग जब अपने चरम पर होगा तो उस समय क्या होगा, कैसा होगा सत्ययुग? मित्रों, अब आते हैं आज की वीडियो के मुख्य विषय अर्थात सत्ययुग के वास्तविक स्वरूप की। तो मित्रों, आपको बता दें, पुराणों में वर्णित है कि सत्ययुग की अवधि 17,28,000 वर्ष होगी और इस युग में मनुष्यों की आयु 4,000 से 10,000 वर्ष हो जाएगी। पृथ्वीलोक पर एक बार फिर धर्म का बोलबाला होगा। मनुष्य भौतिक सुख की जगह मानसिक सुखों पर बल देगा। मनुष्यों में एक दूसरे के लिए नफरत की कोई जगह नहीं होगी, चारों ओर प्यार ही प्यार होगा। मानवता की पुनः स्थापना होगी। मनुष्यों को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। लोग पूजन कर्मकांड में विश्वास करेंगे। साथ ही सत्ययुग में मनुष्य अपने तपोबल से भगवान से बात कर सकेगा। इस युग में लोगों को अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण होगा और मात्र आत्मा के परमात्मा से मिलन से सभी सुखी होगा, अर्थात सत्ययुग को इस सृष्टि का स्वर्णयुग कहा जाएगा। लेकिन मित्रों, सत्ययुग आने में अभी काफी लंबा समय है, किंतु हम अपने कर्मों से कलयुग के स्वरूप को भी सत्ययुग बना सकते हैं, क्योंकि धर्म ग्रंथों भी कहते हैं कि कलयुग में भी जो लोग धर्म और कर्म पर विश्वास करेंगे उन्हें सत्ययुग की तरह ही सुख की प्राप्ति होगी। यदि आप भी इस घोर कलयुग में सत्ययुग का सुख पाना चाहते हैं, तो अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए और उस हर एक कर्म को सुधारिए जो आपको पाप का भागीदार बना सकता है।